नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में है भारत की नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जो भारत की नदियां हैं उनसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से और किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्नों पर। दोस्तों सबसे पहला इस वीडियो का प्रश्न लिया गया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा गोदावरी। दोस्तों गोदावरी है जो कि प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्रों में नहीं है। तो दोस्तों चार नदियां हैं, गोदावरी, झेलम, रावी और घाघर। दोस्तों यह झेलम को छोड़कर बाकी सभी नदियों का उद्गम भारत से ही होता है, और तो इसका सही आंसर होगा झेलम से। यह झेलम नदी भारत से नहीं निकलती। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। दोस्तों भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो दोस्तों यह देखें महानदी। दोस्तों महानदी का क्षेत्र उद्गम स्थान भारत है और ब्रह्मपुत्र का नहीं है, बाकी रावी नदी का भी और चिनाब नदी का भी है। दोस्तों यह प्रश्न वे हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। एक बार फिर यही प्रश्न है, इसमें है दोस्तों इसका आंसर रहेगा सतलज नदी का नहीं है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों तुंगभद्रा की बात करें, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, माल प्रवाह भी है और घाट प्रवाह भी है, लेकिन दोस्तों अमरावती कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा अमरावती। दोस्तों यह प्रश्न RRB 2002 में आया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सी नदी कच्छ किरण में समाहित होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लूनी नदी। इसके बाद अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में बहता है। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कौन कौन सी हैं। दोस्तों ऑप्शन है गंगा, महानदी, नर्मदा। ये तो नहीं बनाते क्योंकि ये नर्मदा नहीं बनाती। इसके बाद अगला, कृष्णा, गंगा और ताप्ती। तो दोस्तों इसमें ताप्ती नहीं बनाती, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है कावेरी, गंगा और महानदी। दोस्तों ये तीनों बनाती हैं, तो इसका सही आंसर होगा कावेरी, गंगा और महानदी। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग या रुद्रप्रयाग और या देवप्रयाग। दोस्तों अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में, और यहाँ से भागीरथी का नाम गंगा हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। दोस्तों ऑप्शन गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम और गंगा और सिंधु। दोस्तों इसका सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कहाँ से निकलती है सिंधु नदी। तो ऑप्शन है दोस्तों रोहिंगदांग दर्रा, शेषनाग झील या मानसरोवर झील या मत्स्यप्तुंग हिमामी। दोस्तों इसका सही आंसर है मानसरोवर झील से निकलती है। इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। कहाँ से होकर बहती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है
महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। तीसरा है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। चौथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में प्रभावित होती है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती? इसका सही आंसर दोस्तों यमुना नदी। दोस्तों यमुना नदी यह उत्तराखंड से निकलती है, बाकी यह नदी प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी बहती है। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर है हुगली नदी। दोस्तों हुगली नदी है। इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बेतवा नदी मिलती है या बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर है यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है या विख्यात है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कोशी नदी। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का नदी के मुख पर है? तो इसका सही आंसर है हुगली नदी का। इसके बाद अगला प्रश्न, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है झेलम, सतलुज नदी। दोस्तों सतलुज नदी है सबसे महत्वपूर्ण। इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिंद तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नर्मदा नदी गुजरती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अनंत अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों यह नर्मदा नदी गिरती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की, और भारत की बोले तो भारत की गंगा आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है या कहाँ पर है? तो शारदा नदी का उद्गम स्थल है मिलाम हेमनंद। इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? दोस्तों अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन दामोदर, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में यारलुंग जांगबू नदी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, दूसरा महानदी कृष्णा तथा कावेरी, और तीसरा है लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती, और चौथा है दोनों ए और बी। दोस्तों यह इसका ऑप्शन आएगा दोनों ए और बी, क्योंकि ये सारी नदी गिरती हैं सिवाय इनके।
इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इसमें से किस नदी का भारत में नहीं है? तो इसका सही आंसर है सतलुज नदी का नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है दोस्तों, इसके ऑप्शन है नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी नदी व कृष्णा नदी। तो इसका सही आंसर रहेगा गोदावरी नदी। इसके बाद अगला प्रश्न है, हंगरी सहायक नदी है, हंगरी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तुंगभद्रा नदी की, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है हंगरी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोपली किसकी सहायक नदी है? कोपली किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर यह है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी, डी ऑप्शन सही है इसका, बंगाल की खाड़ी। इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, सतलज नदी का उद्गम है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है, भारत में, चीन में या पाकिस्तान में? दोस्तों सही आंसर है चीन में निकलती है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन में है दोस्तों, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में होता है सही है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में सही है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है ये गलत है, बाकी ताप्ती का मध्य प्रदेश में होता है ये भी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों इसका सही आंसर है हिमालय पर्वतमाला से निकलती है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? ऑप्शन पार्वती नदी, दूसरा लूनी नदी, तीसरा माही नदी और जवाई नदी। इसका सही आंसर दोस्तों माही नदी। इसके बाद अगला प्रश्न, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों इसका सही आंसर है गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। इसके बाद चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में तलचट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद अगला प्रश्न, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमालय प्रदेश से होकर बहती है, वह नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर यह वह नदी है हुंजा नदी। चलते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है या किस राज्य में प्रभावित होती है? दूध गंगा नदी किस राज्य में प्रभावित होती है या किस राज्य में बहती है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल में बहती है। इसके बाद अगला प्रश्न, अतः स्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है, इसका ऑप्शन माही, गंगा, नर्मदा या कृष्णा नदी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गंगर नदी। इसके बाद अगला प्रश्न, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि युक्त क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? दोस्तों गो ऑप्शन में गोदावरी, कृष्णा नदी, गंगा नदी या सरयू नदी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गंगा नदी। इसके बाद आखिरी प्रश्न है और इस वीडियो का भी आखिरी प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदी में किसका उद्गम अमरकंटक में होता है? यानी कि जो नदी बिहार राज्य में बहती है उसका उद्गम अमरकंटक में होता है, भाई कौन सी नदी है? तो ऑप्शन में है कोयला नदी, सोन नदी, पुरुपुनपुन नदी या कारो नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है
शोन नदी जो कि अमरकंटक की चोटी से निकलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।